सास के देख ले ब्राह्मण वही तस्वीर होए कहे ना सुन नहीं का ओ चिंटू आगे पापा ना सुन नहीं का देख ले भी तो ठर्रा का बड़े का सुर है जी ऐसा नहीं जगह को भाल ले ओ भैया कुएरे कुए कौन सी ने लात दई मैं रुक जा मेरी सास के भाई तो करोगे कौन सी ने लात दई एक और पत्ते जल्दी खड़ो है जा ओ भाग्यवान तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है सवेरे सवेरे सोना तो देतना ना चैन पे पूरी जिंदगी सोबे ही सोबो है बस चार दिन की कमाई है बूना कटी जा रही तुम्हारे ढंग से दे आलू बिच जाते तो दाने कट जाती पूरी आधे से भरे गए और आधे से कट्टा में धरे सज जाएंगे यानी कि अंतिम बेच बाचे आवे अरे भाग्यवान बिच जाएंगे धीरे धीरे क्यों टेंशन ले रही है तू बेच बाचे का मैं पियर गुना जाना तुमने मेरी छोटी बहन को ब्याह हुआ है तुम ध्यान ही ना रहे को हम बह रहे हो जी तू सही कह रही है मेरी सारी को ब्याह हुए बहू के कहे तो तैयारी भैयारी करनी है शॉपिंग वॉपिंग करनी पड़ेगी ना कह दो तो बाकी कहे पैसे चाहिए और पैसा मेरी जेब में एक ठंडी उन्होंने हते तो जाते बढ़िया जाइए कि भाई आलू ने आज बेच बाज का कंटे काटे हूँ हाँ तो अब चले जाओ दो चार मोड़ी मोड़ा मेहनती कर ले जाइयो और मोड़ी मोड़ी मेहनती करके ले जाइयो आदमी ने मन ले जाइयो उन्हें भी तो ज्यादा पैसा ले देंगे और आलू की वैसी मत तो चल लो वे हाँ हाँ जा रहा हूँ परमेश्वरी जा रहा हूँ मैं अरे यार कलुआ जिंदगी सुस्त इसी में जा रही है और कचू काम धंधो ना चल रहे हो सो टाइम पास है जाए हमारी गीटा पीटा खेले का लेके बाकी कहाँ पैसे ना है तुम्हारे पास तू टेंशन क्यों ले रो है अब तो नाम काम ही काम है सही बताए 100-200 रुपया कम जाएंगे तो मजा तो आ जाओ सही बताए 100-200 रुपया कम जाएंगे तो हम गीटा पीटा या चट्टपट्ट तो खेलने करेंगे झेटानी के मोड़ी मोड़ा बैठे हैं जिनने पूछ के देखा तू एक बार चले चलेंगे तो क्या मुड़े चल रहे हैं का हमारे आलू बनवाए भी 50-50 रुपया दे रहे हो तुम तीनों जने ने मैं तो चल भी तैयार हूँ कदड़िया जिन्हें और पूछ ले चले तो कह रही मेरी सासू के भूनी जावेंगे हाँ तो चल फिर का दिक्कत है चलो तो वहां पर काम करो भैया वैसी मंडोलियां फालतू तू टेंशन मत ले कदड़िया तुम्हारे काम देख के कुछ जाओ चलो तो अरे मैया गदड़िया आए थे आलू कितने का बैठे हैं बकी बार और हम कत्ते और साल तो जो मान ले खजू नहीं बैठा थे खजूरा में एक आलू ने कत्ते ज्यादा तरह मेरी सास के तू मैं आलू ने नजर दे रहे और खजू ना ने वैसे ही मद्दे चल रहे हैं जा साल मेरी नजर इतने कड़ा बनाने के तुम्हें आलू ने नजर दे दूं मैं हाँ चल बढ़िया है और ज्यादा ज्ञान मत फेंके काम करवे लगे जाऊ और जब तक मैं आ रहे हूँ तब तक हम बिने भाई मिलने चाहिए पूरे मैं आड़तिया पाड़तिया बुला कर ला रहा हूँ मूल भाव तो कर लेने को कैसे कहा हिसाब किताब चल रहा आलू ने को और एक आलू ही रहे सारे और नहीं तो उन्हें पैसा नहीं दे रहे हो मैं गदड़िया तो टेंशन मत ले एक आलू नहीं रहेगा मेरे पैर से अन्न बीन देंगे और एक आधे भूल चुका मैं रह जाए वो बात अलग है चलो तो अब बीने में लगे जाऊ तो हाँ लगा था ला नंबर तो तू चला जा गदड़िया बुला ला भाई आड़तिया है बीन ले बेटा ना के और नहीं जा गदड़िया को भरोसा ना ना दे देगा को नहीं दे देगा पैसा आलू एक रहेगा तो कितना मेरे कलुआ तू जा बात तो सही कह रहा है क्या गदड़िया को भरोसा ना ना देवेगा को नहीं देगा पैसा चलो लग जाओ काम धंधे A few moments later अरे भूपा सिंह ये आलू तो मिल ले मन्ने ये गदड़िया नहीं आया पर मुझे तो टाइम है हो जाए आप तो योग बस से आड़ती है लेके नहीं कह रहे कलुआ मैं तो तुम्हें तो योग कह रहा हूँ आलू ने पूरे ने बीने कर आ गई हूँ अब ये तो यार खेतों में ड्रेन है कचू आलू जब टेकड़ा चल रहा है जैसे जैसे बिंत जा रहे हैं और का मज्जा है वहाँ देते ऊपर तो काम कर रहे हैं फिर वो ऐसा ना नहीं हैं हाँ चल कोई बात ना ना जिनने बीनो तो नू और मैं जिनके बात करतू हाओ ला भूपा सिंह बिना जिनने और बचे बचे रह गए तिनने हाँ तो सेठ जी ये आलू ने बीन पे लगे हैं तो नू तुम अपना मूल भाव बताओ का हिसाब किताब चल रहा है आलू को देख लल्लू पूरे बाजार में तो 250 की रेट चल रही है पर त्यो आलू ने बढ़िया है तब जाते 300 के दाम दे देंगे
हाय सेठ जी, तो मतलब मट्टी के भाई आलू ले रहे हैं भाई ने। पहले आलू ने तो देख ले, चांदी सिक्का आलू है पता ना। अरे लल्लू आलू देख के ही तो बताया मैंने, 50 रुपया से घंटे ज्यादा महंगे तो ले रहा हूँ मैं। और कचू गुंजास हुए 50-40 रुपया आगे तो देख ले, और नहीं मैं कोई और बुला लेंगो। देख गधड़िया, अपने आप सही किसी तो बात है, अब देख ले अपने हिसाब थे। अब सेठ जी तुम्हें देख ले, अगर तुम्हें लेने हुए तो मैं तुम्हारे का 350 रुपया इकट्ठा के हिसाब से लगा देंगू मैं। अरे लल्लू जा साल बाजार के भाई, तो देख ले बाजार में 250 कट्टा चल रहा है और तुम 300 में उन्हें जा रहे हो। जा साल बाजार में आलू की मट्टी कुट रही है मट्टी, तो 10-20 रुपया कम दे रही हो और क्या करेंगे। देख लल्लू, ना तो तेरी सी और ना मेरी सी, 300-20 रुपया के हिसाब तू सिकन्ने दे दियो कट्टन हो ते करने। हाओ चलो कोई बात ना, मैं ले जाइयो तुम। वैसे आलू तो भाई और महंगा हो तो, पर सारी को ब्याह आएगा तो मजबूरी में बेचने पड़ रहे हैं और जेब में एक हठन्नी नहीं है। और ब्याह में तो जाना सारी के मैं कैसे करके नहीं, तो मैंने सोची ये आलू ने बेच के ही जाऊंगा अब तो, और नहीं ये धरे धरे वैसे खराब हो जाते हैं। तो लल्लू हम 320 रुपया में अपनी बात है पक्की समझे। हाओ 320 रुपया में बात है पक्की तो कर लेंगे, पर आलू ने संजा तक भर ले जाइयो या खेत में थे। और नहीं माया और बढ़िया ऐसी ऐसी है कट्टा ही कट्टन चले जाएंगे, पते नहीं पड़े कब खाली है वो खेत। अरे लल्लू आज तो मुश्किल है, आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर कल जरूर भरवा लेंगे मैं सवेरे। कोशिश है जाए तो आज ही करियो जिनने भरवाए देगी, और नहीं मेरी को गारंटी ना ने। आज तो मैं सो जाऊंगा जैठा नहीं और दिना सुबह तो कैसे, पर जैते आगे की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी मेरी। हाओ लल्लुआ ते आलू सवेरे खेतों में उठ जाएंगे और क्या करेगा तू बताए। हाओ सेठ जी तो सवेरे ले जाइए भरवाए के अपने आलू ने। हाओ भाई साहब ये वीडियो का दूसरा भाग देखा ना होए तुमने तो कमेंट करके बताइयो, और जी वीडियो है भाई झंडा नहीं खत्म, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, पर माय चैनल सब्सक्राइब करो मत भूलियो। सिगन के कहा राम राम में याद जोड़े क्या नहीं।